Now, children, to show that liquid pressure at a particular depth is same in all directions, वो show करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगेन एक बॉटल लेते हैं. इस बॉटल में हम किसी खास हाइट पर हम चारों तरफ होल कर देते हैं, बहुत करीब करीब नहीं, थोड़ा दूर पर ही होल कर देते हैं. After that, इसमें क्या कीजिएगा, वॉटर को फिल कर देते हैं. Then we see that, क्या देखिएगा, और जब ये इस इन सारे होल्स से वॉटर बाहर आने लगेगा तो हम क्या देखेंगे कि वॉटर फॉलिंग फ्रॉम द बॉटल विल बी एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटल. तो बॉटल से सेम डिस्टेंस पर सारे होल्स से जो वॉटर निकल के गिरेंगे वो गिरेगा, वो सब एक ही डिस्टेंस पर होगा बॉटल से. इट मीन्स उतने डेप्थ पर, सेम डेप्थ पर लिक्विड प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस. और इस चीज को मैं आपको मैनोमीटर की सहायता से भी बताने की कोशिश करूंगी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. ऑल्दो मैनोमीटर कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनोमीटर वीडियो हमें नहीं पढ़ना है, बट आई विल शो यू सो दैट यू कैन हैव द आइडिया ऑफ दैट ऑल दैट वन ऑल्सो. मैनोमीटर के बारे में भी आप जान सको और मैनोमीटर से भी हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड प्रेशर को दिखा सकें. तो इसलिए मैं उसके लिए भी मैं एक्टिविटी आपको दिखाऊंगी. तो ये हमारा ये वीडियो हो गया किस चीज के लिए, कि लिक्विड प्रेशर एट ए पर्टिकुलर डेप्थ इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस. ये शो करने के लिए बच्चों मैं इस बॉटल में पहले पानी भर देती हूँ, उसके बाद हमें क्या ऑब्जर्व करना है कि वॉटर कमिंग आउट फ्रॉम ईच होल विल फॉल एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटल. तो ये शो करेगा कि उस डेप्थ पर लिक्विड प्रेशर ऑल डायरेक्शंस में सेम है. बिकॉज चिल्ड्रन अगर आप कंसिडर करो, सोचो इस बात को, तो आपको समझ में आएगा कि किसी खास लेवल को जब हम कंसिडर करते हैं तो उस लेवल पर लिक्विड कॉलम का हाइट कहीं भी सेम होगा. तो ऑब्वियसली चारों तरफ लिक्विड कॉलम के कारण जो एग्जर्टेड प्रेशर होगा इक्वल होगा. अब कहोगे आप कि वो तो ठीक है भाई, अब आप कह रहे हैं चारों तरफ, इसका मतलब है डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी उतना प्रेशर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में भी उतना प्रेशर होगा, साइड वेज भी उतना ही प्रेशर होगा. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब ऊपर वाले लिक्विड के कारण नीचे की ओर फोर्स लगेगा, और न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से परहैप्स आपने जरूर ही सुना होगा इस बात को कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अगर हम दीवार पर फोर्स लगाते हैं तो दीवार भी हमारे ऊपर, हमारे हाथ पर फोर्स लगाता है, एंड ड्यू टू दैट आवर हैंड गेट्स हर्टेड. तो अब ऊपर वाले लिक्विड के वेट के कारण नीचे फोर्स लगा, और नीचे वाला लिक्विड क्या करता है, उस ऊपर वाले लिक्विड के कारण एग्जर्टेड फोर्स के बराबर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में भी लगाता है. तो इट मीन्स ऊपर की ओर भी लगने वाला प्रेशर सेम है. अब चूंकि वो ऑल डायरेक्शन में, तो हम लोगों ने जान लिया क्योंकि हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम एक जैसा होगा तो चारों तरफ भी सेम प्रेशर एग्जर्ट होगा, नीचे की ओर भी उतना ही प्रेशर होगा क्योंकि उतना ही हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम है, ऑल डायरेक्शंस में सेम होगा, ऊपर की ओर भी सेम होगा, नीचे की ओर भी सेम होगा, ऑल डायरेक्शंस में सेम होगा. तो बाय दिस वे वी विल बी एबल टू शो दिस थिंग, एंड नाउ वी विल सी, आई एम फिलिंग वॉटर इन इट एंड देन आई विल शो यू. आई एम फिलिंग वॉटर इन इट. बच्चों तो आप देख रहे होंगे कि वॉटर कमिंग आउट फ्रॉम ईच होल इज फॉलिंग एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटल. दिस शोज दैट लिक्विड प्रेशर एट ए पर्टिकुलर डेप्थ इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस. चिल्ड्रन सो आई थिंक कि ये भी एक्टिविटी आपके लिए क्लियर हो गया होगा. सो मुझे विश्वास है आपको इस वीडियो से लिक्विड प्रेशर से रिलेटेड चीज क्लियर हो गया होगा, और रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज हम फिर से देखेंगे, क्योंकि अब हमारा क्या बचा हुआ है,
liquid pressure depends upon density of liquid column, that I will show you by manometer. इसके बाद ये हो गया, liquid exerts pressure at the bottom as well as on the wall of container. तो इसमें हम क्या कर सकते थे, एक होल बना के उसमें बलून लगा दिए वॉल पर, इसके वॉल पर. तो when we fill water in it, balloon starts getting inflated, balloon फूलने लगेगा. तो वो क्या शो करता है कि दीवार पर, बॉटल के दीवार पर भी लिक्विड प्रेशर एग्जर्ट करता है, जिसके कारण बलून इन्फ्लेट हो गया, फूल गया, बलून फूलने लगा. चिलन, सो ये तो हो गया. अब मान लीजिए आपको बॉटम पर दिखाना है, बॉटम पर तो एग्जर्ट प्रेशर एग्जर्ट होता ही, हम लोग समझते ही है. बट क्या करते हैं हम लोग, इसके बॉटम वो मान लेते हैं, आप इसको इस साइड में ही एक बलून लगा दीजिए और इस साइड को कट कर देते हैं. अब क्या करते हैं, इसमें वाटर फिल कर दो बॉटल में, तो नीचे जो बलून लगा हुआ है दैट विल स्टार्ट गेटिंग इन्फ्लेटेड. तो ये शो करता है कि लिक्विड एग्जर्ट्स प्रेशर एट द बॉटम ऑफ कंटेनर ऑल्सो, वॉल पर भी एग्जर्ट करेगा, कंटेनर के बॉटम पर भी एग्जर्ट करेगा. तो ये हमने, हम लोगों ने शो कर, इस कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग इस तरह से शो कर सकते हैं. तो बाय दिस वे चिल्ड्रन, व्हाट डिड वी स्टडी,